Hello kids, welcome back. I am Shobha Miss. Till now in EVS you are completed two chapters. So today we discuss chapter number 3, water. Water बोले तो पानी. आपको मालूम है पानी किस किस के लिए यूज होता है? या देखो, bathing, cooking, washing, drinking, ये सब के लिए पानी यूज होता है. We need for drinking, cooking, bathing, washing. We cannot live without water. हम पानी के सिवा नहीं रह सकते. Animals and plants all need. जैसे हमें ज़रूरत होती है पानी की, उसी तरह plants को और animals को भी ज़रूरत होती है पानी की. जैसे कि they need water to wash themselves. जैसे we wash पेट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को वॉश करने के लिए भी पानी लगता है. और फ्रॉम वेयर डू वी गेट प्योर वाटर, हमें पानी कहाँ से आता है? तो फर्स्ट हमें पानी कहाँ से आता है? वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, बारिश से हमें पानी आता है. रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स. व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट प्योर वाटर, हमें पानी नहीं मिले तो क्या होता है? प्लांट्स को भी पानी नहीं मिले तो क्या होता है? क्या होता है? प्लांट्स ड्राई अप एंड डाई. जैसे कि ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, पानी नहीं मिला तो प्लांट्स क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, यानी सूखे होते हैं. नेक्स्ट, जब उन्हें पानी मिलता है, व्हेन दे गेट वाटर दे, उनको पानी, जैसे प्लांट्स के लिए पानी एक खाना होता है. दे यूज वाटर टू मेक फूड. नेक्स्ट, फार्मर्स यूज वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जैसे कि फार्मर्स यू प्लांट्स ग्रोइंग करने के लिए, क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए पानी यूज करते हैं. वी नीड वाटर फॉर सो मेनी अदर, हमें पानी और भी बहुत चीज़ के लिए यूज होते हैं. सो वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड स्टोर वाटर. इसलिए हमें पानी क्या करने का है? स्टोर करके रखने का है, यानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करने का है. हमें पानी अब किस किस में हमें स्टोर कर सकते हैं? द डिफरेंट मेथड्स इन विच वी कैन स्टोर वाटर. जैसे कि इस पिक्चर्स में देख रहे हैं आप, रिवर है, वेल है, टंकी है, हैंडपम्प है, लैंक्स है, वेल, and also in buckets. Water is very important. We should not waste water. तो हमें क्या करने का है? पानी ज़्यादा waste नहीं करने का है. पानी नहीं रहा तो हमें ये क्या भी नहीं होता है, यानी crops नहीं, खेत नहीं उगा सकते, क्या भी wash नहीं कर सकते, plants भी die होते हैं. पानी मिलने के बाद उसको फूल आते हैं, फल आते हैं. इसलिए हमें पानी स्टोर करके रखने का है. सो कंप्लीट दिस चैप्टर्स. कुछ क्वेश्चंस आंसर है जो आपको वर्क करने का है घर में, और इसके नोट्स है जो आप देख के इसमें आंसर लिखने का है. जैसे कि यहाँ है कुछ ट्रू और फॉल्स भी है नीचे, इसमें आपको आंसर मिलेंगे. ये आंसर आप ढूंढ के लिखो. Help your parents. Thank you, children.